पत्नी के चक्कर में आत्महत्या करने पानी की टंकी पे चढ़ा पति हुआ बवाल। बड़ी खबर जिला देवरिया से सामने आ रही है। जिले में रविवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी रूठी पत्नी को मनाने और उसे बुलाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। जोर जोर से चीखने लगा तो लोगों का हुजूम लग गया। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस से युवक ने कहा कि मेरी माधुरी पत्नी को बुलाओ। पुलिस ने जब जानकारी की तो पता चला कि वह यूपीपीटी 2022 में शामिल होने के लिए लखनऊ गई है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतारा। अपने बच्चों को लेकर पति से अलग रहती है पत्नी। जानकारी के मुताबिक घटना देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र की है। यहाँ के जलुआ गांव में बने एक जच्चा पच्चा केंद्र में माधुरी संविदा पर एएनएम के पद पर काम करती है। यहीं पर वह अपने बच्चे को साथ रखती है, जबकि उसका पति आनंद जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में रहता है। आनंद और माधुरी में पिछले करीब 2 वर्ष से विवाद चल रहा है, इसलिए वह पति से अलग रहती है। परीक्षा देने के लिए लखनऊ गई थी माधुरी। माधुरी ने यूपीपीटी 2022 में आवेदन किया, इसलिए वह पति से अलग रह रही थी। परीक्षा देने के लिए लखनऊ गई थी माधुरी ने यूपीपीटी 2022 में आवेदन किया था। रविवार को लखनऊ में उसकी परीक्षा थी। इसी दौरान आनंद देवरिया पहुंच गया। तरकुलवा थाना परिसर के पास बनी एक पानी टंकी पर चढ़ गया, चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर टंकी के पास लोगों का जमावड़ा लग गया। वहीं सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची तो आनंद अपनी पत्नी को बुलाने की जिद करने लगा। काफी समझाने पर भी नहीं माना तो पुलिस ने चली चाल। पुलिस ने युवक को काफी समझाया लेकिन वह नहीं माना। पत्नी की जानकारी की तो पता चला कि वह लखनऊ में परीक्षा देने के लिए गई है। इस पर पुलिस ने उसे काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। पुलिस ने रणनीति के तहत 2 युवकों को पानी की बोतल लेकर आनंद के पास भेजा, उसे अपनी बातों में लगाया। दोनों युवकों ने टंकी पर पहुंचकर उसे दबोच लिया, फिर पुलिस पहुंची। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पत्नी को थाने बुलाया। पुलिस आनंद को पकड़कर टंकी से नीचे उतार लाई। पति और पत्नी में विवाद चल रहा था, इसी को लेकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। थाना पुलिस ने बताया कि युवक को हिरासत में ले लिया गया है। उसकी पत्नी को मामले की जानकारी दी गई है। सोमवार को उसे थाने बुलाया गया है। उसके आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।